हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग की सुचिता में। और आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बट बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बताने वाली हूँ, और वो है हमारी इडली और डोसा के साथ खाने वाली चटनी। ये चटनी इतनी टेस्टी होती है कि इडली डोसा के अलावा आप चाहे तो इसको रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये इडली डोसा की चटनी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे मूंगफली। तो यहाँ पे हम एक कप मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मूंगफली को हम यहाँ पे मीडियम से स्लो फ्लेम पर हमको इसको अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि जो इसका छिलका है वो हमारा आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम लोग इसको धीमी आंच में अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से जो मूंगफली का टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, तो जिससे जो चटनी है वो हमारी और भी ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप देख रहे हैं कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मूंगफली को हम लोग अच्छे से ठंडा कर लेंगे, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम लोग डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और इसको हमको हल्का सा भूनना है, बिल्कुल हल्का सा ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भून जाएगा तब हम एक मीडियम साइज़ का प्याज को हम लोग स्लाइस करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमको प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, इससे चटनी में प्याज का जो कच्चापन है वो चला जाएगा। तो प्याज अब हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं खड़ी लाल मिर्च। तो तीखा हम लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम लोग डाल देते हैं एक बड़ा साइज़ का टमाटर को हम लोग ने बस रफली चॉप कर लिया है, उसको भी इसमें हम लोग डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम लोग डाल देते हैं इसमें नमक, ताकि जो टमाटर है वो हल्का सा गल जाए। तो बस इन सब चीज़ों को डाल के हमको अच्छे से मिक्स करना है, और टमाटर के हल्का से सॉफ्ट होने तक हमको इसको पकाना है। तो चलिए चेक करते हैं, जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में इमली। इमली अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उससे इस चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इमली डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और टमाटर को चेक कर लेते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो टमाटर भी अब सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें जो हम लोग ने मूंगफली ऑलरेडी भून के रखी हुई है उसका छिलका मैंने निकाल लिया है, अब उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसको डाल के इसको मिक्स कर देंगे, और गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे। और जब ये सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो जाए तभी आप इसको मिक्सी में पीसिएगा। और इसको पीसते समय हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे चटनी की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये देखिए, ये चटनी अब हमारी पिस गई है। तो अब हम लोग इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन लेंगे, और पैन में हम लोग डालेंगे तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे सरसों, और जब सरसों अच्छे से चटकने लगेगा तब हम लोग इसमें डालेंगे ढेर सारा करी पत्ता। जो साउथ इंडियन जो भी चटनी होती है उसमें करी पत्ता का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से अमाउंट में करी पत्ता हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छे से भून गई है, करी पत्ता भी है वो हमारा अच्छे से भून चुका है। तब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और जो ये हम लोग ने तड़का तैयार किया है उसको हम लोग डाल देते हैं चटनी में। तो ये अब हम लोग ने तड़का डाल दिया चटनी में, तो इस तड़के से जो चटनी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है। और अगर आपकी चटनी स्पाइसी नहीं बनी है तो जब तड़का आप बना रहे हैं तो उसी समय थोड़ा सा हरी मिर्च को भी काट के आप उसमें डाल सकते हैं, उससे चटनी आपकी थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाएगी। तो बस तड़का को डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इडली डोसा के साथ खाने के लिए एक यूनिक चटनी तैयार है। तो यहाँ पे ये मैंने सूजी का सैंडविच बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक इस चटनी को बनाइए और मज़े लीजिए। और आपको मेरी चटनी की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।